कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुण मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन है। इस दिन सभी महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और उनके लिए विधि विधान से व्रत करती है। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूरी निष्ठा के साथ दिन भर निर्जला यानी बिना जल के रहती है। फिर रात में चंद्रमा की पूजा कर पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करती है। करवा चौथ की तिथि 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रात्रि 9:31 से शुरू हो जाएगी, जो कि वही 1 नवंबर 2023 बुधवार को चंद्र दर्शन के बाद रात में 9:20 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। पूजा का शुभ समय 1 नवंबर 2023 शाम को 5:54 से लेकर 7:02 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय 1 नवंबर 2023 बुधवार की रात को 8:30 पर रहेगा। करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से और नियम के साथ किया जाता है। एक परिवार में 7 भाई थे, उनकी चंद्रावती नाम की एक लाडली बहन थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो भाइयों ने एक अच्छे परिवार में उसकी शादी कर दी। बहन ने शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रखा। जब शाम को भाई भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, लेकिन चंद्रावती ने कहा कि जब तक चांद नहीं निकलेगा तो मैं उसके बाद ही भोजन करूंगी, मतलब चांद निकलने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। भाई उसे बहुत प्यार करते थे, अतः उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने घर से दूर पेड़ों के पीछे जाकर आग जला दी और चांद निकलने जैसा एक दृश्य उत्पन्न कर दिया। वे घर आए और एक भाई छलनी पकड़कर खड़ा हो गया और बहन को पुकारने लगा कि जल्दी से आकर चांद देख लो, चांद निकल गया है। बहन ने चांद निकला जानकर उसे अर्घ दे दिया और व्रत खोल दिया। इतने में उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है। चंद्रावती ने सोचा कि मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसका मुझे दंड मिल रहा है। सारे संसार में आज पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, पर मेरे सुहाग को क्या हुआ कि वह इतना बीमार हो गया। उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि पूजा में अवश्य कोई विघ्न आया है। आपके पति के ठीक होने का उपाय यह है कि पूरा वर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखना शुरू करो। चंद्रावती ने ठीक वैसा ही शुरू कर दिया और चंद्रावती के पति को कांटे वाली बीमारी थी। वह पूरा वर्ष पति के शरीर से कांटे निकालती रही। जब केवल आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आ गया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि मैं करवा चौथ के व्रत का सामान लेने जा रही हूँ, तुम मेरे पति का ध्यान रखना। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने चंद्रावती के पति की आंखों पर रह गए कांटों को निकाल दिया। होश में आते ही चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि चंद्रावती कहाँ है। तब नौकरानी ने कहा कि वह तो घूमने गई है। पति ने समझा कि इसी औरत ने 1 साल तक मेरी सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी। जब चंद्रावती सामान लेकर वापस आई तो उसकी कोई बात सुने बिना ही उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अगले वर्ष जब करवा चौथ का व्रत आया तो पूजा के वक्त चंद्रावती अपनी ही कहानी कहने लगी। जब उसके पति ने पूरी कहानी सुनी तो उसे सब समझ में आ गया। उसने नौकरानी को निकालकर चंद्रावती को पुनः अपना लिया। इस प्रकार चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। उसने माँ पार्वती से प्रार्थना की, हे महागौरी माता, जिस तरह आपने मेरे सुहाग की रक्षा की उसी तरह सबके सुहाग की आप रक्षा अवश्य करें। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।